उमरिया जिले के धार्मिक नगरी वीर सिंहपुर पाली में विराजी आदिशक्ति माता विरासिनी मंदिर में चैत्र नवरात्र रामनवमी महापर्व को मनाए जाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर व मंदिर प्रबंध समिति संरक्षक संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए रेलिंग व्यवस्था, मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगान के कार्य, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए मार्किंग व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है। मंदिर के पुजारी गोपाल पंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नवरात्र में भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही पूर्व में स्थापित किए जाने वाले करीब 450 मनोकामना आजीवन ज्योति कलश की स्थापना ही कराई जाएगी। उसके अलावा मनोकामना जवारे, घी, तेल, ज्योति व सादे कलश की स्थापना नहीं होगी। बताया गया है कि मंदिर में नवरात्र पर्व के दौरान बैठक के दिन घट स्थापना कलेक्टर द्वारा की जाएगी, जहां पर कोरोना काल के मद्देनजर मंदिर प्रांगण में सभी नियमों का पालन करते हुए दर्शन लाभ दिया जाएगा। बताया गया है कि मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश व निकास द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर ने बीते दिनों शांति समिति की बैठक में स्पष्ट करते हुए अपील की थी कि श्रद्धालु फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से माँ के दर्शन लाभ प्राप्त करें। आगामी 13 अप्रैल से चैत्र रामनवमी मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष में मंदिर की पूरी तरह की व्यवस्था, रंग रंगोली, साफ सफाई, रोलिंग रेलिंग और घट स्थापना के लिए कलश आदि सब पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और ये कोरोना काल के चलते हुए मंदिर की पूरी व्यवस्था और गेट पे रेलिंग की तैयारी कर ली गई, ताकि दूरी बना करके माता रानी के दर्शन कराया जा सके। और माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार मंदिर की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। और जो हमारे घट स्थापना है मंदिर का 450 के लगभग हैं, आजीवन ज्योति कलश, जिसकी व्यवस्था पूर्ण कलश गृह में कर लिया गया है। और उसको आपसे बताएं कि पाँच बज के पचपन मिनट से लेकर के 10 बजे तक घट स्थापना की मुहूर्त है। उस मुहूर्त के समय माननीय कलेक्टर महोदय जी को बुला करके निमंत्रण दे करके पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलित किया जाएगा। जैसा कि शरदे नवरात्रि कुमार में जैसी व्यवस्था की गई थी, उसी तरह से पूर्ण व्यवस्था इस बार भी की जाएगी। क्या जवारे कलश स्थापित नहीं होंगे इस बार? जवारे कलश, सादे कलश, ज्योति कलश, घी, ज्योति कलश, तेल, ये सब नहीं बोए जाएंगे। जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था, उसी तरह इस बार यथावत रहेगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।